जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में किसी भी SSGD की या तैयारी करें या किसी भी फोर्स की तैयारी करें, CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, इनमें से किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन करते हैं क्या क्या सामान मिलता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि टोटल क्या क्या आपको सामान पहले ही दिन मिल जाएगा, मतलब जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन ये सामान मिल जाता है, और किस प्रकार से आपको मिलता है, टोटल कितना सामान मिलता है, मतलब क्या क्या टोटल फुल डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में BSF, ITBP, CRPF, असम राइफल, इनमें ज्वाइन करते ही पहले ही दिन आपको ज्वाइनिंग के क्या क्या सामान मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं बता दूँ कि जो पहले ही दिन आपको जो सामान मिलता है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपके फॉर्म कंप्लीट बाद में होते हैं, आपको सामान पहले, जैसे आप ज्वाइनिंग होगी आपसे कुछ फॉर्म भरा लिए जाएंगे, उसके बाद में आपकी सीधी लाइन बन हो जाएगी जहाँ पर आपको सामान मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए कि आपको क्या क्या सामान मिलता है। आप सभी को पता है कि हर एक डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म मिलती है, जैसे कि आप कॉम्बैट ड्रेस, अगर आप मान लो CRPF या BSF किसी में ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 कॉम्बैट ड्रेस, उसके अलावा 2 खाकी ड्रेस, खाकी ड्रेस भी इनमें चलती है, आप सभी को पता है कि 2 खाकी ड्रेस, उसके अलावा टोपी, बेल्ट, शूज 5 टाइप के आपको शूज़ मिलते हैं दोस्तों। 5 टाइप कौन कौन से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जिनको टेक्टिकल शूज़ बोलते हैं, और जंगल शूज़ आप देख रहे होंगे लिबर्टी के आते हैं, कई बार मेरे वीडियो में भी देखा होगा जो मैं फुल वीडियो बनाता हूँ उनमें, तो जंगल शूज़ या टेक्टिकल शूज़। उसके बाद में 2 DM शूज़ मिलते हैं, 2 प्रकार के DM शूज़, जो ब्लैक वाले आप देखते हो वर्दी के नीचे, तो ब्लैक वाले जूते पहनते हैं खाकी के नीचे। उसके अलावा एक PT शूज़ मिलता है वाइट कलर का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शूज़ मिलता है वो होता है कील शूज़, जो आपको पूरी 12 महीने की ट्रेनिंग में पहननी है। उसके नीचे 16 कील लगी हुई रहती है आगे, और इसे पीछे आपने घोड़े की गुड़ताल देखी है ना नीचे वाले लोहे की, वो आपके भी ट्रेनिंग में लग जाती है ताकि ट्रेनिंग में ऐसे थप थप आवाज़ आए, तो गुड़ताल लगी रहती है यहाँ पर पूरी की पूरी लोहे की, और पूरे के पूरे उसमें जूते में कीलें लगी रहती है, यानी 16 कील आगे और पीछे भी कीलें होती है, साथ में वो गुड़ताल लगी हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट शूज़ वो रहता है जिसको आप ट्रेनिंग में 12 महीने पहनने वाले हो, जिसकी आवाज़ आती है ऐसे धप 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 और ऊपर तक आपकी झनक उठती है उसकी वजह से। तो ये 5 प्रकार के आपको शूज़ मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक बॉक्स मिलता है। अब बॉक्स में क्या क्या मिलता है मैं बता दूँ। एक बॉक्स मिलता है, उसमें आपको 2 कंबल मिलती है, 1 दरी मिलती है। 2 कंबल जो अच्छे वाले जो कंबल होते हैं, जिनको अगर दोनों को साथ में ओढ़ लिया तो कितनी भी सर्दी हो आपको सर्दी नहीं लगेगी। 2 कंबल मिलता है, एक बॉक्स हो गया उसमें 2 कंबल, 1 दरी, 1 मच्छरदानी मिलती है। मच्छरदानी आपको 100% मिलेगी क्योंकि आपकी ड्यूटी कहीं पर भी हो सकती है, ट्रेनिंग में भी आपको मच्छरदानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद में आपको मिलती है 1 मच्छरदानी। उसके अलावा जैसे आपकी वर्दी, जैसे मैंने बताई ये वर्दी होगी, बेल्ट, टोपी, आपको 2-3 टोपी मिलती है, 2-3 टोपी मिलती है। जुराब भी मिलते हैं, सॉक्स, यानी 2 कलर के आपको सॉक्स मिलते हैं, कॉम्बैट भी और खाकी के 2 कलर के आपको सॉक्स मिलते हैं। अंदर की जो बनियान होती है वो भी मिलते हैं, ये लड़के और लड़के दोनों के लिए मिलते हैं, मैं केवल लड़कों के लिए नहीं बता रहा, लड़कियों के लिए। एक वाइट बेड शीट भी मिलती है, क्योंकि आप सभी ने कई बार देखे होंगे वीडियो में, वाइट बेड शीट का डिसिप्लिन होता है, आपकी ट्रेनिंग में भी होगा और आपने देखा भी होगा फोर्स के बारे में कि उनकी जो चारपाई होती है उस पर वाइट बेड शीट बिछी रहती है, उसको उच्च दर्जे का मतलब डिसिप्लिन बोलते हैं खाट का, जो आपको बाद में आके जाके पता चलेगा जब ट्रेनिंग में आप लगा लगा के बिल्कुल वाइट बेड शीट लगा के जाओगे ना तब पता चलेगा। उसके अलावा प्लेट आपको मिलेगी खाना खाने के लिए, एक मग दिया जाएगा, वो पुराने वो हवन करेंगे उसमें देखा होगा वो मग हिलाता है आर्मी वाला, वो मग आपको पक्का दिया जाएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई आप भी फौजी हो। उसके अलावा एक पिट्ठू बैग, जिसको आपको ट्रेनिंग में पक्का वो लगाया रहेगा पिट्ठू बैग। उसके अलावा एक पोज मिलता है जिसमें मैगजीन डालते हैं, मतलब राइफ़ल की जो मैगजीन डालते हैं वो, उसकी सीलिंग जिसमें राइफ़ल लगाते हैं, जैसे मेरी कुछ फ़ोटो में आपने देखी होगी सीलिंग लगा के राइफ़ल लगा रखी, वो सीलिंग मिलती है। उसके अलावा खाकी ड्रेस मैंने बता दी, कॉम्बैट ड्रेस बता दी, उसके अलावा PT ड्रेस, तो आपको 2 या 3 वाइट टी शर्ट मिलने वाली है, 3 के समथिंग आपको वाइट टी शर्ट मिलेगी, मतलब अलग अलग कलर में, उस पर जैसे CRPF वाले के CRPF लिखा रहेगा, BSF वाले के BSF लिखा रहेगा, CISF वाले के CISF लिखा रहेगा। उसके अलावा नीचे का जो हनुमान जो चड्डा होता है वो मिलेगा, ट्रेनिंग में आपको वही पहनना है। तो कईयों का ये सवाल रहता है कि सर लड़कियां, लड़के तो हनुमान चड्डा पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं ट्रेनिंग में, और फुल पैंट भी मिलती है आपकी ट्रेनिंग के लिए जो स्पेशल रहती है वो। उसके अलावा अब इन जो चीज़ें होगी, इसके अलावा आपको सुई, धागा, डोरी, वो मतलब सब सिखाने के लिए, मतलब जैसे मैंने वीडियो बना भी रखा सुई से कैसे बटन लगाते हैं, तो लड़कों को भी वो मिलेगी पूरी की पूरी इतनी सी अटैची, उसमें आपका सुई, धागा, साथ में बटन, कुछ बटन्स मिलेंगे, वो पूरा का पूरा सामान उसमें दिया जाएगा।
उसके अलावा पानी की बोतल आपने देखी होगी जो पीछे बांधते पुराने वाले फौजी, वो पानी की बोतल भी आपको मिलती है। आपका कोट जो है बड़ा वाला कोट है वो एक, आपको पार्टी वेयर कोट भी मिलता है एक, आपको वाइट ड्रेस मिलती है बिल्कुल वाइट, मतलब वाइट शर्ट वाइट पेंट और उसके ऊपर पहनने के लिए वो ब्लेजर और टाई, वो भी आपने देखा होगा कई फोटोज में, कहीं देखा होगा फोर्स का बंदा है वो कहीं आपने पैरा देखा होगा, आर्मी वाले ज़्यादा पहनते हैं उनको, पैरामिलिट्री फोर्स वाले कम ही काम लेते हैं, वो पार्टी वेयर जिसको बोलते हैं, तो वो भी उसके लिए भी आपको पूरा पूरा वो सामान मिलता है, जैसे पेंट हो गई, वाइट टी शर्ट हो गया, उसके ऊपर ब्लेजर हो गया और टाई वाई और बेल्ट, तो ये सभी ये सामान मिलता है। इसके अलावा आपको हैमर शेक, मतलब एक बड़े वाला जो बैग होता है फौजियों वाला, वो बैग भी आपको मिलता है हैमर शेक जो पूरा का पूरा जिसमें काफ़ी बड़ा सामान होता है। उसके अलावा एक स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग क्या होता है कईयों को नहीं पता होगा, एक बैग आता है मतलब बैग इसलिए बोलते हैं उसको कि आप उसके अंदर सो जाओ ऊपर से चेन बंद कर लो, तो मतलब नीचे का भी हो गया ऊपर का भी हो गया चारों तरफ से आपको पे कर लेता, तो वो कश्मीर ज़्यादातर उसको यूज़ होता है कश्मीर में उसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, तो कई बार आपको चारपाई के नीचे से भी ठंड लगने लग जाती है, तो उसको पहन लिया तो वो क्या उसमें चारों तरफ इस प्रकार से बनाया रहता है वो कि उसमें चारों तरफ से वो गर्म रहेगा, उसमें चेन बंद कर लो आप पूरे के पूरे उसके अंदर पैक हो जाओ, उसको बोलते हैं स्लीपिंग बैग, तो वो स्लीपिंग बैग भी आपको दोस्तों मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया मच्छरदानी होगी, चारपाई का पूरा आपका सामान हो गया, ये शूज हो गया। अब आपको मिलती है टी शर्टें, जो कॉम्बैट टी शर्ट वाइट टी शर्ट बता दी पीटी के लिए बोलती है कॉम्बैट टी शर्ट, आपको दो या तीन प्रकार की आपको कॉम्बैट टी शर्ट मिलती है, हाफ वाली फुल वाली कॉम्बैट कलर में, जैसे कॉम्बैट जो बीएसएफ का जो कॉम्बैट कलर है उसको उसमें, सीआरपीएफ वाले को सीआरपीएफ में, आईटीबीपी वाले को आईटीबीपी में, अलग अलग कॉम्बैट कलर, और आपको लोवर यानी एक लोवर मिलता है उसको आप पहन सकते हो, या सर्दी के लिए कोट जैसे मैंने बताया हर एक डिपार्टमेंट अलग से आपका कोट, जो बड़े वाला आपने देखा होगा फौजियों वाला कोट, वो एक बड़े वाला जो कोट ब्लेजर टाइप का वो कोट भी आपको मिलता है, ताकि वो स्पेशल ठंड में आपको ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें काम में आती है। इसके अलावा ट्रेनिंग से संबंधित, ट्रेनिंग में जो चीज़ें काम में आने वाली उससे संबंधित, जैसे छोटे मोटे बैच हो गए, यहाँ का टोटल टोपी का बैच है, या जो कैप लगाते हैं उसका बैच है, जितने भी आपके कैप है, जैसे अगर बेरेट कैप है, एक जो मंकी कैप आती है वो मंकी कैप मिलेगी अलग से, बेरेट कैप उसको बोलते हैं जो साइड से फोल्ड करके जो लगाते हैं, जैसे मेरी फोटो में देखते होंगे साइड से फोल्ड करके जो लगती है उसको बेरेट कैप बोलते हैं, उसके जो बैच है मंकी कैप है यानी जो सामने जो कैप लगाते हो वो कैप है। उसके अलावा जो सर्दी के गर्म कप मिलता है यहाँ पर पहनने का, आपने कहीं देखा होगा लोगों, नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा आपको किसी मेरी फ़ोटो में 100% होगा, यहाँ पर एक गले में पहनने का होता है उससे ठंड कम लगती है, वो लोगों भी मिलता है, वो आपको ज्वाइनिंग वाले डेट ना मिलेगा तो ट्रेनिंग में ज़रूर आपको मिल जाएगा, वो कुछ सामान ऐसा होता है जो आपको ज्वाइनिंग वाले दिन नहीं मिल पाता वो आगे आके आपको मिलता है। तो ये कुछ इतने सामान है दोस्तों जो आपको मिलने वाले हैं, यानी आपका पूरा बॉक्स भर के उसमें से भी आपको आएगा नहीं, इतना सामान आपका बच जाएगा। हाँ एक और वो इतना बड़ा बैग मिलता है गोल गोल सा, उसके अंदर सामान भर दो, आपने देखो कई फौजियों घर पे उस पर राशन भरा हुआ रहता है, तो वो बैग भी आपको मिलता है दोस्तों। तो ये टोटल सामान आपको ज्वाइनिंग वाले दिन मिल जाएगा दोस्तों, इनकी सबके अच्छे से फ़ोटो पहन के फ़ोटो लेना और इन्जॉय करना दोस्तों। तो ये सब सामान आपको जिस दिन आप फौजी बन जाओगे, ये फौजियों वाले सारे के सारे सामान, प्लेट मिल जाएगी, चम्मच मिल जाएगी, वो मग्गा मिल जाएगा यानी खाने वाला, वो फिर आप भी करना क्या करेंगे, हवन करेंगे डांस करना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।